हेलो स्टूडेंट्स, मौजूद प्रयाग कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा तो अपना टॉपिक चल रहा था मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का जो पहला एलिमेंट था जो मैं बताया था आपको टेक्स्ट, आज अपने उसके बारे में देखेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट के प्रकार कितने होते हैं, टेक्स्ट का जो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट में क्या क्या एलिमेंट्स काम आते हैं, आज वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि टेक्स्ट क्या होता है, पहले बात करते हैं टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट मल्टीमीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, जिसमें आप अपने किसी बात को या किसी अपने विचारों को आप टेक्स्ट के माध्यम से लोगों को प्रदर्शित करते हैं, या टेक्स्ट के माध्यम से किसी को जानकारी आप प्राप्त करते हैं, तो वो मीडियम क्या कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है। टेक्स्ट समझने और समझाने का एक आसान तरीका है, जिससे आप अपने अपनी बातों को आसानी से टेक्स्ट के माध्यम से किसी को समझा सकते हैं। और इसको लिखने के लिए जो टेक्स्ट को लिखने के लिए कंप्यूटर के अंदर विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन या इसके एडिटर आपके पास में उपलब्ध होते हैं। आप चाहो तो इनके एडिटर का प्रयोग करके या इनकी एप्लीकेशन का प्रयोग करके अपने टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टेक्स्ट के माध्यम से आप कोई नॉवल्स है या थीसिस है या कोई स्टोरी है या कोई नोट से आप उसको आसानी से काम में ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट के बारे में, लोगों को समझ कर टेक्स्ट क्या है। देखो टेक्स्ट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स क्या है, इसमें टेक्स्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है टाइप फेस, पहला कौन सा है टाइप फेस, और दूसरा होता है फॉन्ट। यानी टेक्स्ट को आप दो भागों में बांट सकते हैं, टाइप फेस के आधार पे और फॉन्ट के आधार पे। टाइप फेस के आधार पे क्या होता है कि टाइप फेस मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को कितने प्रकार से, यानी फेस यानी कितने प्रकार से आप उसको प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाता है टाइप फेस। क्या कहता है टाइप फेस, क्या होता है कि टाइप फेस वह तरीका है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को कितने रूपों में या कितने प्रकारों में या कितने फॉर्म्स में आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो कहता है टाइप फेस। यानी टेक्स्ट को लिखने का तरीका क्या कहलाएगा आपका, टाइप फेस कहलाएगा। टाइप फेस को अपने दो भागों में बांटते हैं, पहला है सेरिफ, पहला कौन सा है सेरिफ है, और दूसरा है आपका सेंस सेरिफ, दूसरा कौन सा है आपका सेंस सेरिफ। मैं आपको कहना इससे पहले बता दूं कि टाइप फेस तो आप बोल सकते हैं कि लिखने का तरीका हो गया, या बोल सकते हैं कि आप टाइप फेस एक से अधिक एक समान के साइज के अक्षरों को बोल सकते हैं, यानी एक जैसे साइज के समान अक्षरों को आपका बोल सकते हैं टाइप फेस बोल सकते हैं। और फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है कि फॉन्ट टाइप एक ऐसा अक्षर होता है या एक समान अक्षर का जो तो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। यानी एक टाइप फेस के समान अक्षर फॉन्ट कहलाते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, एक टाइप फेस के समान अक्षर क्या करते हैं आपके, फॉन्ट कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं कि टाइप फेस को कितने भागों में बांटा गया है, टाइप फेस को दो भागों में बांटा गया है, पहला है सेरिफ और दूसरा है आपका सेंस सेरिफ। पहले बात करते हैं कि सेरिफ क्या होता है। देखो इसमें मैंने दो बताया कि सेरिफ क्या होता है, सेरिफ वे फॉन्ट होते हैं जिसके कोनों पे क्या होती है डिजाइन की होती है, क्या है कुछ डिजाइन की होती है, वो कहते हैं आपके सेरिफ टेक्स्ट, सॉरी सेरिफ कहते हैं आपके टाइप फेस कहते हैं, सेरिफ प्रकार के टाइप फेस कहते हैं जिनके अक्षर या जिनके कोनों में, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे फॉन्ट फेस जिनके कोनों में क्या होती है कुछ डिजाइन बनी होती है, वो क्या कहते हैं आपके सेरिफ प्रकार के टाइप फेस कहलाते हैं। इसमें आप जैसे टाइम न्यू रोमन हो गया, बुक एंटिक क्वेरा हो गया, ये आपकी क्या है, या कर्सिव राइटिंग हो गई, ये आपके क्या है ऐसे फॉन्ट फेस है जिनके क्या है कि कोनों में आपको कुछ क्या मिलेगी डिजाइनिंग मिलेगी। और दूसरा होता है आपका सेंस सेरिफ, सॉरी सेंस सेरिफ क्या होता है, सेंस सेरिफ में वो होता है जो आपकी स्लाइड आगे चली गई, सेंस सेरिफ में क्या होता है कि सेंस सेरिफ एक ऐसा फॉन्ट फेस होता है जिसके कोनों पर किसी प्रकार की कोई डिजाइन नहीं होती है। यानी आप उसके क्या नाम है, आप जब भी आप फॉन्ट का ऐसे फॉन्ट का यूज कर रहे हो जिसके कोनों में किसी प्रकार की डिजाइन का यूज नहीं हुआ है, वो क्या कहता है आपका सेंस सेरिफ कहता है। जैसे एडिट ब्लैक, एडिट ब्लैक एक ऐसा फॉन्ट फेस है जिसके
जो फोनों में किसी प्रकार की कोई डिजाइनिंग नहीं होती है, उसमें जो फोन होते हैं वो क्या होते हैं एकदम गोल होते हैं, वो आपके कर्व के रूप में क्या होते हैं एकदम गोल होते हैं, वो क्या करते हैं आपके सेंस सेरिफ प्रकार, सॉरी हाँ सेंस सेरिफ प्रकार के आपके क्या करते हैं वो फोन प्रेस करते हैं। अब बात करते हैं फोन, फोन क्या होता है मैंने बताया था आपको, एक बार फिर बताता हूँ फोन क्या होता है। फोन टाइप फेस के समान अक्षर को क्या कहते हैं फोन कहते हैं, टाइप फेस के समान अक्षर क्या बोला जाता है फोन बोला जाता है। फोन का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर बात करें कि फोन के प्रकार कितने होते हैं तो फोन को दो प्रकार में बांटा गया है, एक है आपका स्क्रीन फोन और दूसरा है आपका रोस्टर फोन। कौन कौन से हैं, स्क्रीन फोन और रोस्टर फोन। स्क्रीन फोन क्या होता है, स्क्रीन फोन ऐसे फोन होते हैं जो स्क्रीन पे आम तरह से दिखाई देते हैं या जिसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है देखो, तो ये बताया एक एग्जांपल स्क्रीन फोन की, या फिर क्या है या फिर सैरिफ बताया आपका सैरिफ प्रकार, जिसमें क्या आपने क्या है डिजाइन किया हुआ है या आपके अलग अलग आपके क्या है फोन, ये आपके क्या है ये फोन के प्रकार है, इसको बोलते हैं स्क्रीन फोन। स्क्रीन फोन के आपके अलग अलग फोन का तरीके हैं जिसको आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये फोन ऐसे होते हैं जिसको साइज में छोटा बड़ा किया जा सकता है या इसको आप आसानी से अपने क्या नाम है स्क्रीन पे आप इसको दिखाने के लिए इसको यूज में ले सकते हो आप। इसमें ये ऐसे फोन होते हैं जिसको आपको किसी प्रकार की कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं होती है, क्यों क्योंकि ये पहले से क्या होते हैं डिजाइन किए होते हैं आप, और इसको सीधे स्क्रीन पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे फोन कहलाते हैं आपके स्क्रीन फोन कहलाते हैं। दूसरा फोन होता है आपका रोस्टर फोन। रोस्टर फोन वो होते हैं जिनके साइज में ना तो आप बदलाव कर सकते हैं ना इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं। या फिर क्या है रोस्टर फोन है, रोस्टर फोन तो बोल सकते हैं कि ये बिट मैप फाइल होती है। कैसी फाइल होती है, बिट मैप प्रकार की फाइल होती है। ये फाइल ऐसी होती है कि जो ना तो आप इसको छोटा कर सकते हैं ना आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ये जिस प्रकार से उसी प्रकार से ये यूज में आते हैं। तो उसको क्या बोलाता है, उसको बोलाता है रोस्टर फोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फोन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि टेक्स्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या एक टेक्स्ट को लिखने के लिए किस कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, या कंप्यूटर जो टेक्स्ट टाइप करता है तो वो मतलब किस किस चीज़ को ध्यान रखते हैं वो टाइप करता है, तो उसको बोला जाता है टेक्स्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो देखते हैं टेक्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहला है आपका टेक्स्ट इमेज, जो एलिमेंट्स आपका है वो है बेस लाइन, दूसरा है आपका लीडिंग, तीसरा है आपका कर्निंग, चौथा है आपका ट्रैकिंग। पहला कौन सा आपका बेस लाइन, बेस लाइन का होता देखते हैं देखो, ये देखो यहाँ दिया हुआ चित्र में दिया हुआ देखो बेस लाइन का, बेस लाइन वह अदृश्य लाइन होती है या जिसको बोलते हैं अनविजिबल लाइन्स होती है जहाँ पर टेक्स्ट को लिखा जाता है। जिस प्रकार आप चार लाइन वाली क्या नाम है बुक्स का प्रयोग करते हो, नोट्स बुक का प्रयोग, उसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को लिखते हो। इसमें देखो बेस लाइन बनी हुई है, यहाँ पर बेस लाइन में ये बताया गया है कि टेक्स्ट इससे नीचे नहीं जाएगा। ये लाइन क्या होती है, ये लाइन अदृश्य होती है जो आपके कंप्यूटर पर टाइप करते समय आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब ये आप टाइप करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है कि इस बेस लाइन को ध्यान में रखते हुए क्या करता है टेक्स्ट को टाइप करता है, और वो टेक्स्ट क्या होता है उससे नीचे नहीं जाता है, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है बेस लाइन बोलते हैं, जो आपकी क्या होती है ये अदृश्य होती है। दूसरी बात है, दूसरा है अपना लीडिंग। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग मतलब ये हुआ कि एक टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट के बीच में दिया गया स्पेस या जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं लीडिंग बोलते हैं। जैसे ये आपका क्या है, ये लीडिंग बता रहा है कि आपका एक टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है दूसरा टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसके बीच में कितना स्पेस है वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपकी लीडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका लीडिंग, यानी आप बोल सकते हो कि टेक्स्ट एक टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट के बीच में जो वर्टिकली जो स्पेस होता है वर्टिकल रूप से वो क्या कहलाता है आपका लीडिंग कहलाता है। तीसरा है आपका कर्निंग। कर्निंग देखो इसमें होता है कर्निंग, कर्निंग वह स्पेस होता है जो दो अक्षरों के बीच में दिया गया स्पेस, देखिए यहाँ पे क्या स्पेस है, कर्निंग क्या होता है ये दो अक्षरों के बीच में दिया गया स्पेस होता है। ये क्या होता है कि ये एक ऐसे नहीं होते, यानी आप बोल सकते हो कि अलग अलग फॉन्ट फेस के आधार पे ये अलग अलग स्पेस होते हैं, यानी ये टेक्स्ट पे आधार करता है या फॉन्ट पे ये क्या करता है आधारित होता है कि वो कितना स्पेस इसमें आ रहा है कर्निंग के अंदर, कईयों में बहुत कम होता है कईयों में क्या होता है ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है स्पेस ज़्यादा है, कर्निंग का स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है कर्निंग का स्पेस कम है, यानी ये फोन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का फोन आप यूज़ कर रहे हैं
और उसके स्पेस किस प्रकार से लिए जाएंगे, ये क्या करता है कि कंप्यूटर सिस्टम खुद निर्धारित करता है उसके टैक्स को लेते समय कि इसमें कर्निंग का स्पेस कितना होना चाहिए, वो कहता है आपका कर्निंग कहलाता है। ये आपके बेस मेन तो क्या है कि आपके फोन की बनावट पर निर्भर करता है कर्निंग स्पेस, कि आपने किस प्रकार का फोन का यूज किया है उस हिसाब से उसका करता है कि कर्निंग आपके यूज में लेता है। फिर इसके बाद आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है कि दो अक्षरों के बीच में दिया गया स्पेस, दो अक्षरों के बीच में क्या दिया दिया गया स्पेस क्या कहता है आपका ट्रैकिंग कहता है। जैसे आपका ये आप इसमें क्या है देखो बीच में क्या है आपका ये ट्रैकिंग से, यानी ये आपके क्या होगा समान रूप से एक प्रकार का होता है, क्योंकि आपका समान रूप से आपका एक प्रकार का ट्रैकिंग होते हैं, यानी इसमें जो दो अक्षरों के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहता है आपका ट्रैकिंग कहलाता है। तो ये आपका जो बता रहा है कि ट्रैकिंग किस प्रकार का है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रैक लिखा गया है इसमें जो बीच में स्पेस है ये स्पेस यानी एक स्पेस ये रहा, ये पूरा ट्रैकिंग ये है, पूरा ट्रैकिंग एरिया आपका ये है, यानी दो अक्षर के बीच में जो आपका स्पेस दिया गया है वो क्या कहता है आपका ट्रैकिंग कहता है। यानी पहला आपका ये पूरा ये एक टेक्स्ट है, दूसरा आपका ये टेक्स्ट है, तो इसके बीच में जो स्पेस है स्पेसिंग आप उसको ट्रैकिंग बोल सकते हैं। तो ये आपके क्या थे कि टेक्स्ट के एलिमेंट्स थे, जो टेक्स्ट को लिखते समय इन एलिमेंट्स का प्रयोग कंप्यूटर ध्यान में रख के काम करता है या आपके टेक्स्ट को लिखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट जो आपका मल्टीमीडिया एलिमेंट है वो किस प्रकार से काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो मल्टीमीडिया के और जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो से मुझे कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।